जब से बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बने हैं, तब से सिंघम स्टाइल में बिहार के किसी भी जिले के थाने में एक के बाद एक औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो कभी गोली का जवाब गोली से देने वाले फरमान, तो कभी अपराधियों के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने की नसीहत देते हुए डीजीपी लगातार चर्चा में है। वही ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से आया है, जहां बीती रात में अचानक सरप्राइज विजिट करने पहुंच गए। रात के अंधेरे में अचानक पहुंचे डीजीपी के काफिले ने मुजफ्फरपुर पुलिस की नींद उड़ा दी। सूचना मिलते ही एसएसपी, नगर डीएसपी समेत कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। नगर थाना पहुंचे डीजीपी ने थाने की डायरी और ड्यूटी शेड्यूल को खंगाला। थाना अध्यक्ष रूम से लेकर सिरिस्ता, हाजत मालखाना आदि का जायजा भी डीजीपी ने लिया। वहां भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पूरे थाने का निरीक्षण किया। मिठनपुरा के बाद वो दल बदल के साथ गाजी मोहम्मदपुर थाने पहुंच गए। डीजी ने अपने जांच में पाया कि स्टेशन डायरी की इंट्रीज एक दिन पुरानी है। इसे लापरवाही मानते हुए प्रभारी थानेदार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश एसएसपी मनोज कुमार को दे दिया। बिहार में आपको मालूम होना चाहिए कि थाना सहायक, थाना ओपी मिलाकर करीब 1500 हैं, 1400 कुछ। तो सारे 1500 का थाना प्रभारी मैं हूँ, क्योंकि बिहार का डीजीपी हूँ। तो मैं कभी भी किसी थाना पर कभी भी पहुँच सकता हूँ 24 घंटे में, दिन भर सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक। डीजीपी ने कहा कि राज्य के सभी 1500 थाने के थानेदार मैं खुद हूँ और कभी भी कहीं भी पहुँच सकते हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं थाने से दलाली समाप्त कर दूंगा। वहीं साथ ही साथ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है। जो भी हैं, तो उन्होंने थाना बैन की आज ही के डेट में है, कोई पीछे से लंबित नहीं, आज के डेट में खोल करके उन्होंने बढ़ाया नहीं है उसको। तो लेकिन ये लापरवाही का मामला है, इसको उन पर विभागीय कार्रवाई का मैंने आदेश दे दिया है। और इससे सतर्कता बनेगी, जब मैं रात भर दौड़ सकता हूँ, दिन भर ऑफिस में काम कर सकता हूँ, तो सबको दौड़ना चाहिए। मुजफ्फरपुर अपराध का केंद्र रहा है, बिहार के लिए चिंता का विषय रहा है, तो मुजफ्फरपुर हमारा विशेष ध्यान है। और मुजफ्फरपुर को खोद करके एक एक जड़ से इसका कीचड़ साफ करेंगे। वहीं इसी कड़ी में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुजफ्फरपुर के 3 थानों के औचक निरीक्षण करने के बाद वैशाली के 5 थानों पर एक के बाद एक जाँच की। लेकिन वैशाली जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को भनक भी नहीं लगी। अचानक डीजीपी ने थाने में गड़बड़ियों को लेकर कई थानेदारों पर गाज गिराई, कुछ को निलंबित किया तो कुछ को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। डीजीपी के इस हैरान करने वाले छापेमारी से महकमे में हड़कंप है। लेकिन देखना है कि डीजीपी साहब ने सिंघम अवतार से बिहार की पुलिसिंग कितना सुधर पाएगी। हाजीपुर से संदीप आनंद और मुजफ्फरपुर से मानी भूषण के साथ बिहार तक।